तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज मैं कल वाले टॉपिक असि एक्सेप्शंस कर रहे थे पाइथन के विच, वही टॉपिक नो मैं आगे कंटिन्यू करते हैं। पर कल असि की कीता सी, कल असि कीता सीगा डिस्कस कीता सी एक्सेप्शन, व्हाट इज एन एक्सेप्शन और ए एक्सेप्शंस का रोल की है, यूज की है। जो भी असि कोई भी पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो दीज एक्सेप्शन से अबाउट ए सर्टन रोल, और क्यों यूज की जानी है असी कल असी चीज डिस्कस की। एक्सेप्शंस आर काइंड ऑफ एरर, इतना ही गल है तो एरर ही है, दीज आर काइंड ऑफ एरर्स। और किसी भी प्रोग्राम दे विच अगर एक्सेप्शन आती है, एरर आता है, वो प्रोसेसिंग के दौरान आएगा। मैं कल भी कल थोड़े ना क्लियर की थी, अच्छी मैं वही गल क्लियर कर रहा। सिंटैक्स सिमेंटिक्स एरर्स दे डोंट जनरेट एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन। नॉर्मली जो एक्सेप्शन जनरेट होती हैं वो लॉजिकल एरर से ना होती हैं। अगर प्रोग्राम का लॉजिक गलत है, लेट सपोज कोई फॉर्मूला है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तुसी उसकी जगह लिखता, चलो इस छड़ी की गल छो, मैं दूसरा फॉर्मूला की गल करना है। एरिया ऑफ ए सर्कल है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.142, आर थोड़ा रेडियस, आर थोड़ा रेडियस। जो एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, अगर एरी जगह तुम 2 पाई आर लिख लो इंस्टेड ऑफ दिस वन, 2 पाई आर लिख लोगे, तो उसने प्रोग्राम में कोई एरर थोड़ी देना। अगर तुम गलती कर रहे हो, तुम गलत फॉर्मूला फीड कर रहे हो, तो गलत आउटपुट ही मिलेगी। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर दैट कंप्यूटर नूं सर्कल दा एरिए दा फॉर्मूला या सर्कमफेरेंस दा फॉर्मूला पता होना चाहिए। तुसीं जो लॉजिक दोगे फॉर रनिंग द प्रोग्राम, फॉर एक्सीक्यूटिंग द प्रोग्राम, उसने उसे लॉजिक नूं लेना है और उसे लॉजिक के बेस पे तुहाडे अग्गे दिता जाएगा। कमिंग टू दीज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन उदों आउंदे हैं तो असि प्रोग्राम प्रोसेस कर रहे हैं, चल रहा है, रन हो रहा है, और ड्यूरिंग रनिंग किसी किस्म का कोई एरर जनरेट होता है, जिस तरह कल तो गल की थी डिवाइड पर जीरो एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, स्टोरेज कैपेसिटी फुल होगी तो प्रोग्राम कितने टेंपरेरी स्टोरेज करेगा, तो सच काइंड ऑफ एरर एरर जनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम, सच काइंड ऑफ एरर आर बीइंग कॉल्ड एज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हैपन ड्यूरिंग द एक्सीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये चीज तुसी अपने दिमाग क्लियर कर लो एक्सेप्शन प्रोग्राम दी एक्सीक्यूशन दे दौरान। हुण एक्सेप्शंस नूं प्रोसैस करन लई पाइथन दे विच कुछ कीवर्ड्स अवेलेबल है, और मैं कल तुहाडे नाल इही गल कीती सी। फर्स्ट इज ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई फाइनली, असर्ट, रेज विद स्लैश एक, चारों कीवर्ड असी हुण इस चैप्टर दे विच करांगे। एक्सेप्ट दिस वन क्योंकि ए कीवर्ड कुछ पर्टिकुलर वर्जन दे विच यूज हुंदा है, हर वर्जन दे विच यूज नहीं हुंदा, एंड एज सच दिस इज नॉट कवर्ड इन आवर सिलेबस। साडे सिलेबस ए चार स्टेटमेंट्स ही मेंशनड है, एंड वी आर गोइंग टू कवर दीज फोर स्टेटमेंट्स। सब तो फर्स्ट है ट्राई एक्सेप्ट, ए जनरल सिंटैक्स। ट्राई एंड एक्सेप्ट स्टेटमेंट मैं तुसी जावा पढ़ी है, जावा दे विच जिहड़ा ट्राई स्टेटमेंट है ट्राई दे नाल कैच आउंदा, पाइथन दे विच ट्राई नाल एक्सेप्ट आउंदा। इन्हां दोनों दे विच डिफरेंस है, इन्हां दो एक्सपेक्ट नहीं है, सॉरी उपर गलत लिखे एक्सेप्ट है, ई एक्स पी ई पी टी। पाइथन दे विच ट्राई दे नाल एक्सेप्ट आउंदा, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट सिंटैक्स ओदे विच कैच आंदा, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू हैंडल दोज एरर्स विद इन आर कोड इन पाइथन। द ट्राई ब्लॉक इज यूज टू चेक सम कोड फॉर एरर्स, दैट इज कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक विल एक्सिक्यूट व्हेन देयर इज नो एरर। मैं किथे एग्जांपल दिखाना तुहानू, लुक एट दिस एग्जांपल। एक फंक्शन है डिवाइड, अगर असि नॉर्मल पाइथन की प्रोग्रामिंग करते तो असि ट्राई नहीं लिखना से,
ऐसी एस स्टेटमेंट लिखनी सी, एस स्टेटमेंट लिखनी सी, एस स्टेटमेंट लिखनी, और उस तो बाद एज एंड व्हेन सर्टेन फंक्शन रिक्वायर्ड है इस फंक्शन में कॉल कर। हुन जदों असी ट्राई एंड एक्सेप्ट दे नाल प्रोग्राम बनाने हैं, असी ट्राई दी स्टेटमेंट लिखते, एक्सेप्ट दी स्टेटमेंट। ए लिखन दा मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर फ्लो डिवीजन दे प्रोग्राम दे विच प्रोसेसिंग दे दौरान कोई एरर आएगा तो वो एरर इस एक्सेप्शन ने कैच कर। हुण असीं कहिंदे आ ओह एरर उस एक्सेप्शन ने कैच कर लेना, तो उस तो बाद करेगी की? मान लो एरर आंदा, ठीक है, असीं उस पर्टिकुलर एरर नूं उस प्रोग्राम दे विच ट्राई और एक्सेप्ट ने पकड़ लिया, उस तो बाद वो अपना एक फंक्शन या रूटीन रन करेगी सो दैट साडा जिहड़ा प्रोग्राम है वो अपनी नॉर्मल फंक्शन वांगर रन करना स्टार्ट कर दे। सो ट्राई एक्सेप्ट the code inside that try block will execute when there is no error in the program. jada code hai main execute kar raha hai. agar whereas the code inside the accept block will execute whenever the program encounters some error in the preceding try block. ae badi important line hai. try aur accept ae tode ko syntax hai. look at ए ट्राई है, ए कोई ना कोई कोड अटैच, ए एक्सेप्ट है, ए कोई ना कोई कोड अटैच। कोड मीन्स लाइन्स ऑफ प्रोग्राम। अगर कोई एरर नहीं आता तो ए लाइन्स ऑफ कोड ने एक्सीक्यूट करना है, और अगर एरर आता है तो इस लाइन ऑफ कोड ने एक्सीक्यूट करना है। ए चीज को नोट कर लेना ट्राई एंड एक्सेप्ट दे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई एरर नहीं आता, अगर कोई एरर नहीं आता, मैं फिर थोड़े प्रोग्राम तो होर क्लियर कर देना। लुक एट दिस प्रोग्राम, ट्राई एक्सेप्ट, इतने ट्राई है, इतने एक्सेप्ट है। अगर कोई भी एरर जनरेट नहीं होता तो ट्राई दे विच कोड कहड़ा लिखा आया रिजल्ट प्रिंट स्टेटमेंट, आ दोनों एक्सेप्ट। और अगर एरर आंदा है तो इस स्टेटमेंट में, मैं इस गल नूं दोबारा बार बार क्लियर कर रहा, ट्राई एक्सेप्ट दे फॉर्मेट नूं। ट्राई ए तो कमेंट है, एग्जीक्यूट नहीं होना, रिजल्ट प्रिंट। इफ इट इज एग्जीक्यूटिंग इन ए गुड वे मीन्स एन एक्चुअली एरर नहीं आंदा, ए लाइन ऑफ कोड चलूगी, और अगर एरर जनरेट हो जाता है तो ए लाइन ऑफ कोड चलूगी। This is what is being mentioned over here. Code inside that try block will execute when there is no error in the program. Whereas the code inside the accept block will execute whenever the program encounters some error. So, a syntax hai try aur accept block. Try the working ki wahi cheez hai explain ki hai. First try clause is executed, बिल्कुल try clause execute करना, that is code between the try and accept clause on execute होएगा। If there is no exception, ना जड़ी line उन्हें repeat की थी, तो वही चीज लिखी हुई है। If there is no exception, कोई error नहीं आता, only try clause will run, accept clause if an exception occurred try clause will be skipped, try clause execute nahi hoega, accept clause sorry is cheez ko note kar liyo, pehla try ne execute hoga, code between the try and accept ne execute karte hain, agar try ch koi exception nahi aati sirf try ne execute hona, accept clause ne execute nahi hona, और अगर एक्सेप्शन आ जाती है ट्राई ने एक्सीक्यूट होना ही नहीं है, एक्सेप्ट क्लोज ने, ऐसा सिंपल जहा मैं थोड़ी चीज है। मान लो तुसे रोड पे चल रहे हो, रोड पे अगे एक पुल बने, एक रस्ता है थोड़े पुल तो चलन का, एक थोड़ा एक अल्टरनेटिव पुल भी बनया है, दो पुल बने हुए हैं, एक मेन पुल बनया है, एक अल्टरनेटिव रस्ता भी बने। मान लो
ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਔਰ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲ ਹੀ ਕਰੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਾਈ ਟ੍ਰਾਈ ਬਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਸ ਪੁਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਲ ਹੀ ਕਰੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਸੇਮ ਇਜ ਟਰੂ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਟ੍ਰਾਈ ਐਂਡ ਕੈਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਫੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈ ਬਲੋਕ ਐਕਸਪੀਟ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਟ੍ਰਾਈ ਬਲੋਕ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੈਪਟ ਬਲੋਕ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। If any exception occurs but the except clause within the code doesn't handle it, it is passed on to outer try. Hun ede ch try and catch nesting vi aandi, try within try vi aandi. Agar tuhanu man lo aisa koi error aa gaya, except clause onu pakad hi nahi pa raha, jehda baal except clause hai ohne usnu handle kar. A try statement can have more than one except clause, means ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਗੇ, ਕਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਹੋਗੇ ਫੋਰ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸਿੰਗਲ ਐਰਰ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਐਰਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਹੈਰਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੂਟੀਨ, ਦੂਜੇ ਹੈਰਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੂਟੀਨ। ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਰਰ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਲੋਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਰਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਐਕਸੈਪਟ ਕਲੋਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਰੂਟੀਨ ਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। One try clause can have multiple except clauses. It's an important point. Ek try clause de vich multiple except clauses ho sakde hain. Baar baar gal repeat kar rahe hain, is cheez ko note kar lo. Ek try clause de vich multiple except clauses. Now, try except divide tuhanu program hai, divide kar rahe hain. And then us to baad print yes, agar ek correct hai, koi error nahi hai, your answer is result. Agar divide by zero, y the value zero hogi, then message aayega sorry you are dividing by zero. Agar error nahi aanda, this is the thing, agar error nahi aanda result print hoega, agar error aanda the message aayega you are dividing it by zero. ਔਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟੋਪ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਟਰਾਈ, ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਥਨ ਇੱਕ ਐਲਸ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਟਰਾਈ ਐਕਸੈਪਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਐਲਸ ਕਲੋਜ਼। ਇਨ ਪਾਈਥਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਐਲਸ ਕਲੋਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈ ਕੈਚ ਟ੍ਰਾਈ ਐਕਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲਸ ਕਲੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਐਲਸ ਕਲੋਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਲੋਜ਼ਸ। ਕਿਉਂ, ਇਸ ਲਈ ਐਲਸ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਕੋਡ ਐਂਟਰ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਐਲਸ ਬਲੋਕ ਓਨਲੀ ਇਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਡੂ ਨੋਟ ਰੇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੈਪਟ। Important try we code hoega accept executed if error in the try block, else execute if no exception. Is cheez nu thoda dhyan na note karna, main is else clause the context se gal kar rahe hain. Ta if else de vich else clause hunda na usve naal hunda. Agar let's suppose in Python you can also use the else clause on the try except block which must be present after or the except clause. Ek try block de vich ek except clause bhi ho sakta hai,
उस तो ज्यादा एक्सपेक्ट क्लोजेस भी हो सकते हैं। इससे लाइनों में थोड़ी देर पहले भी गल की थी, उसी में तुम कह रहे हैं एक ट्राई ब्लॉक के विच सिंगल एक्सेप्ट क्लॉज होता है मल्टीपल। उन एक्सेप्ट क्लॉजेस तो बाद एक असी एल्स क्लॉज भी ओदे च ऐड कर दें। द कोर्ट एंटर्स द एल्स ब्लॉक ओनली इफ द ट्राई क्लॉज डज नॉट रेज एन एक्सेप्ट। अगर ट्राई क्लॉज है, ट्राई क्लॉज अगर करेक्ट है, थोड़ा प्रोग्राम करेक्ट है, थोड़े प्रोग्राम च कोई एरर नहीं है, तो वह थोड़ा उस ट्राई के क्लॉज नू एक्स ट्राई क्लॉज है जिन्हें भी कोड लाइन ऑफ कोड नू एक्सीक्यूट करेगा। अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होंगी उस तो बाद प्रोग्राम का कंट्रोल किया जाएगा, उस तो बाद प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स हो जाएगा। इस गल दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एल्स क्लॉज है कंटेक्स्ट विच मैं हूँ ही थोड़ा थोड़ी देर पहला गल की सी, एक ट्राई क्लॉज होंगे एक एक्सेप्ट क्लॉज होंगे। अगर प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, तो ट्राई क्लॉज के स्टेटमेंट्स एक्सीक्यूट होंगे, और अगर प्रोग्राम च एरर आ रहा है एक्सेप्ट क्लॉज के स्टेटमेंट्स एक्सीक्यूट। मान लो अगर प्रोग्राम च कोई एरर नहीं, सिर्फ ट्राई क्लॉज की स्टेटमेंट एक्सीक्यूट हो गया, एक्सेप्ट दिया एक है जो है जिन्हें एक्सेप्ट स्टेटमेंट एक्सीक्यूट नहीं हो गया। हुण इस ट्राई तो बाद कंट्रोल ने कितने जाना है? इस कंट्रोल ने ट्रांसफर होके अगर एल स्टेटमेंट लिखी गई है एल स्टेटमेंट से जाएगा, और एल स्टेटमेंट के नाल जेड़ा भी कोड लिखा है उसनों एक्सीक्यूट करेगा। एक्शन की है व्हाइल डूइंग द प्रोग्रामिंग, तुम जो प्रोग्राम बनाने हो प्रोग्राम रन करते हो, देन इट मस्ट बी क्लियर प्रोग्राम ने इस स्टेटमेंट तो बाद इस स्टेटमेंट से जाना है, वो सारा का सारा क्लॉज ए स्टेटमेंट दे विच दे रूल्स दे विच और दे डेफिनेशन दे विच ए चीज क्लियर की। सो दिस इज योर एल्स क्लॉज। और एक फाइनली क्लॉज, फाइनली कीवर्ड भी असी इधर यूज करते हैं। पहला असी ट्राई एक्सेप्ट किया, फिर असी ट्राई एक्सेप्ट एंड एल्स किया, हूँ असी ट्राई एक्सेप्ट एल्स एंड फाइनली की गल कर। पाइथन प्रोवाइड्स ए कीवर्ड फाइनली which is always executed after try and accept block. It is always executed. This is an important point. Finally, clause will be always executed after try and accept block. The final block always execute after normal termination of try block or after try block terminates due to some exception. मैं थोड़ी देर पहले तुहाडे नाल गल की थी, अगर ट्राई कोई एक्सेप्शन नहीं आती, कोई एक्सेप्शन नहीं आती तो ट्राई का कोड एक्सीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन का कोड एक्सीक्यूट होगा, अगर अगर एक्सेप्शन नहीं आती ट्राई के कोड एक्सीक्यूशन तो बाद एल्स ने एक्सीक्यूट होना, और अगर एक्सेप्शन नहीं भी आती और एक्सेप्शन आती है जो मर्जी हो फाइनली ने एग्जीक्यूट होना ही होना है। नाउ अगेन मैं थोड़े क्लियर करना तुम्हें पॉइंट, ट्राई क्लॉज दी स्टेटमेंट्स उदो एग्जीक्यूट होना है जो तो प्रोग्राम च कोई एरर, अगर प्रोग्राम च कोई एरर नहीं है उस तो बाद तुहाडा एल्स क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, और उस तो बाद तुहाडा फाइनली एग्जीक्यूट। सेकेंड पॉइंट, अगर तुहाडे प्रोग्राम च एरर आ जाता है तो तुहाडा एक्सेप्ट क्लॉज एक्सीक्यूट होगा, एक्सेप्ट क्लॉज तो बाद तुहाडा फाइनली एक्सीक्यूट। अगर एरर आता है तो ऐप सीक्वेंस प्रोसेसिंग का है, अगर एरर नहीं आता तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग, पहला ट्राई फिर एल्स फिर फाइनली। फाइनली ने एरर आता है एरर नहीं आता दोनों पासे एक्सीक्यूट होना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कोई एक्सेप्शन रेज होती है या नहीं रेज होती, फाइनली क्लॉज विल ऑलवेज बी एक्सीक्यूट। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस, फाइनली क्लॉज ने हमेशा एक्सीक्यूट होना है, एल्स ने उदो एक्सीक्यूट होना है अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती, ट्राई तो बाद एल्स एक्सीक्यूट, अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो सिर्फ एक्सेप्ट क्लॉज एक्सीक्यूट करेगा और उसके बाद थोड़ा फाइनल। मीन्स मैं थोड़ा डिटेल ही थोड़ी इतने थोड़ा लिख लिख ही देना डिटेल, आई विल जस्ट राइट।
अगर को नो एरर, इफ इट इज देर इज नो एरर और नो एक्सेप्शन, एरर चलिए एरर इज समथिंग एल्स, इफ देर इज नो एक्सेप्शन पहले ट्राई ने एक्सिक्यूट होना, फिर एल्स ने एक्सिक्यूट होना एंड देन फाइनली ने एक्सिक्यूट इफ देर इज नो एक्सेप्शन। और अगर एक्सेप्शन आंधी है, अगर एक्सेप्शन आंधी है सब तो पहला थोड़े एक्सेप्ट क्लॉज ने एक्सिक्यूट होना और उस तो बाद थोड़े फाइनली ने एक्सिक्यूट, दोनों केसेस के बीच फाइनली ने का एक्सिक्यूट होना ही होना है। नो एक्सेप्शन ते ए सीक्वेंस होएगा प्रोसेसिंग का, एक्सेप्शन आते इस होएगा थोड़े प्रोसेसिंग का। इस मेन पॉइंट्स को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम दस रहे हैं कोई एक्सेप्शन नहीं है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग। अगर एक्सेप्शन आती है देन दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग। फाइनली ने दोनों केसेस दे विच एक्सीक्यूट होना है, एल्स ने तो एक्सीक्यूट होना है जे ट्राई स्टेटमेंट दे विच कोई एक्सेप्शन नहीं आती। और अगर ट्राई एक्सीक्यूट ही नहीं होती एक्सेप्ट एक्सीक्यूट होएगा बस फाइनल। सो दिस वाज द कीवर्ड जेडे असी जिस कीवर्ड दी असी गल कर रहे थे, फर्स्ट वाज योर ट्राई, सेकंड वाज योर एक्सेप्ट, थर्ड वाज योर एल्स, फोर्थ वाज योर फाइनली। ये चार दे चार कीवर्ड की मैं गल कर रहा हूं। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एक्सीक्यूशन जिस वे ना असी इन्हां नूं एक्सीक्यूट कर सकते। इस तो बाद असी एक्सेप्शन दे विच कोई होर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की गल कर रहे हैं, दैट इज योर असर्ट। ट्राई कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एल्स कर लिया, फाइनली कर लिया, असर्ट स्टेट। Assert statement is used to continue to execute if given condition evaluates to true. अगर ये condition true है, ये execution नू continue करेगा। और अगर condition false होती है, तो एक assertion error दी exception raise की जाती है, which a specified method. असर्ट स्टेटमेंट ही ट्राई और थोड़ी एक्सेप्ट की तरह एक एक्सेप्शन को कैच करने वाली स्टेटमेंट है। अगर ट्रू है तो असर्ट के नाल जिन्हें सैट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एक्सीक्यूट हो ही गए, और अगर फॉल्स है तो एरर मैसेज एक्सीक्यूट होएगा। इस तरह से सिंटैक्स लिखा है असर्ट कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है ऐसी स्टेटमेंट एक्सीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है हाँ इतने एरर मैसेज जो भी थोड़े सामने आ रहा है पर्टिकुलर एरर मैसेज एक्सीक्यूट कर। हम जो एक एग्जाम्पल देती है एक्स इज इक्वल 10, असर्ट एक्स इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल करेक्ट है, 10 जीरो तो वड्डा है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ट्रू। ऐसा मतलब प्रिंट एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर एक्सीक्यूट करेगा, की कह रहा है पर्टिकुलर। In the example, assert condition x equals to 0 evaluates to be true. Bilkul true hai. So it will continue to execute the next statement without any error. Next statement se tuhade print x is a positive number. Aur agar assi eh teen lines of code to execute karange to sadi output aayegi x is a positive number. Assert statement de context kal kar rahe hain. Assert statement de vich naal condition lagdi hai. ओरिजिनल वैल्यू एक्स ए 10 है, असर्ट स्टेटमेंट चेक कर रही है एक्स ए वैल्यू 0 तो ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा करेक्ट है, 10 वैल्यू 0 तो ज़्यादा ही होती है। सो अगर ए स्टेटमेंट ट्रू होती है तो जेडी स्टेटमेंट असर्ट को फॉलो कर रही है प्रिंट एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर एक्सीक्यूट करेक्ट। असर्ट कंडीशन इवैल्यूएट्स टू बी ट्रू, सो इट विल कंटिन्यू टू एक्सीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट विदाउट एनी। Assert statement can as a syntax key can that it is error message bhi likhe ja sakta statement of agar to assert statement the syntax dekho assert statement de vich condition ta zarur lagdi hai naal tusi error messages vi us statement de vich likh sakde assi haje tak nahi likhe now assi is a next statement de vich error message likhenge। Assert statement can optionally include an error message string which gets displayed along the assertion error. Agar assert the condition false hundi hai, assert the error
मैसेज जनरेट हो जाए। ओरिजिनल जो भी स्ट्रिंग तुसी लगाना चाहते हो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। जिस समय पिछले वाले कोड नूं कोई मॉडिफाई किया एक्स इज इक्वल टू जीरो असर्ट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड प्रिंट एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर। उही स्टेटमेंट दे विच अगर तुसी कोई एरर मैसेज जनरेट करना चाहते हो तो तुसी उस एरर मैसेज नूं assertion error दे नाल तुसी उस मैसेज नूं जनरेट कर सकते। नेक्स्ट इज योर रेज स्टेटमेंट। रेज एक्सेप्शन दे विच असीं कोड स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। रेज रेज स्टेटमेंट इट इज ऑल रिलेटेड विद द बेसिक एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन बेसिकली एक्सेप्शन रिलीज किए जाते हैं उसके कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। Raise statement is used to raise an exception. और तुसी ये भी define कर सकते हैं what kind of error to raise, किस error को तुसी raise करना है, और अगर वो error raise होता है, generate होता है, तो की screen पे message आना चाहिए। कई बार कंप्यूटर चलते चलते ऑल ऑफ अ सडन एक मैसेज आ जाता है दैट कंप्यूटर तुहाडे ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। वो सारिया स्टेटमेंट्स रेज दे थ्रू अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन्स अवेलेबल होंगे उसके विच तो रेज दे थ्रू वो स्टेटमेंट तुहाडे सामने स्क्रीन पे आनी है। रेज दे विच तुसीं अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, मैंशन कर सकते हो। नाउ एक इत्थे एग्जाम्पल दिती है रेज एन एरर and stop the program if the value of x is less than 0. For this program, de vich x value minus 1 and this is less than 0. If x is less than 0, the raise exception, sorry, no number below 0 allowed. The raise statement us case de vich use kitiya jandi hai, abhi tusi apna program bana rahe ho. Main hun ek example lena for the context. अगर हम वैक्सीनेशन चल रहे हैं इस टाइम वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव दे विच लिखे है कोविन COWIN कोविन ऐप गवर्नमेंट वालों ऐप भी है एंड तुसी वैबसाइट पर भी जा सकते हो। तुसी उस ऐप पर भी देख सकते हो दैट तुहाडे एरिया दे विच किस जगह वैक्सीन लग रही है। हम एक कोविन ऐप जो आ गया है मार्केट के विच या वैबसाइट बन गई है उस ते लॉग इन करो। हुण उहदी प्रोग्रामिंग दे विच अगर असीं एक्सेप्शन रेज करनी है पहलां वो जदों अज तो कुछ साल मतलब कुछ महीने पहला नॉट साल दो महीने पहला तीन महीने पहला जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई गवर्नमेंट ने लिखा सी ओनली 60 ईयर एंड अबव वाले उसनों उस वैक्सीन दे विच एलिजिबल। वैबसाइट है कोई भी रजिस्टर कर सकता एनीबॉडी कैन रजिस्टर ऐदा दा है नहीं उस वैबसाइट ते हर बंदा रजिस्टर कर सकता। हुण किदां मैं रोक लगा सकती है गवर्नमेंट उन्होंने ऐसा एक क्लॉसेस ऐड किए जाए। अगर लेट सपोज मैं ही रजिस्टर करने की कोशिश मेरी एज 60 तो कट है उत्थे उन्होंने उदा दी एक्सेप्शन रेज की होनी है। नो जो मैं रजिस्टर करने की कोशिश करांगा उन्होंने वाले एक स्पेसिफाइड मैसेज आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर राइट नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट कॉल फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी कस्टमाइज मैसेज कोई भी कस्टमाइज मैसेज जिहड़ा तुहानू रिक्वायर अच्छा लगता है जिहड़ा कि आम पब्लिक नूं दिता जा सकता है वो एक्सेप्शन दे विच रेज दे नाल उस एक्सेप्शन नूं रेज कीता जा सकता है और रेज जो एक्सेप्शन रेज कीती जाती है उहदे नाल जिहड़ा कोरसपोंडिंग मैसेज तुसी डिलीवर करना चाहते हो वो तुसी कोरसपोंडिंग मैसेज भी इहदे विच मैच कर सकते हो। हुण असीं कीवर्ड्स दा लगभग सारे कर रहे हैं हुण इत्थे मल्टीपल एक्सेप्शन दी गल कर रहे हैं। जिहड़े मल्टीपल एक्सेप्शन दी गल मैं शुरू की थी तुहाडे ट्राई दे नाल मल्टीपल एक्सेप्ट क्लॉजेस लग सकते। हुण अगर ज्यादा एक्सेप्शन असीं पहला पहला तो यही गल कर रहे सी प्रोग्राम एक कोई एक्सेप्शन आती है एक कोई एरर आता जरूरी नहीं है। किसी भी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के नाल डिवाइड बाय जीरो एरर भी आ सकता है स्टैक ओवरफ्लो एरर भी आ सकता है अदर डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स भी आ सकते या ये भी हो सकता थोड़ी आउटपुट ही जीरो बन जाती है और जीरो बनेगी तो प्रोग्राम हैंग कर जाएगा। सो इफ योर प्रोग्राम हैव गॉट
मल्टीपल एक्सेप्शन, मोर देन वन एक्सेप्शन। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਪੁਲ ਟੁੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੇਗਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਪੁਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਲਟੀਪਲ ਐਰਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਈਥਨ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਬਿਲਟ ਇਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਰ ਰੇਜ਼ਡ ਵੈਨ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਰਸ ਐਨ ਐਰਰ। When these exceptions occur, Python interpreter stops the current process and passes it to the calling process until it is handled. और अगर वो error handle नहीं हुआ तो तुम्हारा program crash कर। For example, let us consider a program where we have a function A that calls function B, और function B in turn called function C. A B नू call कर रहे हैं, B If an exception occurs in function C but is not handled by C, exception passes to B, A, B, C, तीन function। A B नो कॉल कर रहे हैं, B C नो कॉल कर रहे हैं, A B पे डिपेंड हो रहे हैं, B C पे डिपेंड हो रहे हैं। और अगर कोई C दे विच एक्सेप्शन आती है, सी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, वो एक्सेप्शन पास होके बी को चल जाती है। अगर बी अगर उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, वो एक्सेप्शन पास होके ए को चल जाती है। इफ नेवर हैंडल्ड, ए एरर मैसेज इज डिस्प्ले एंड आवर प्रोग्राम कम्स टू एन अनएक्सपेक्टेड। प्रोग्राम तो ना होते हैं। मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल करने के दो तरीके हैं, यूजिंग मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स, जी मैं शुरू गल की थी, ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्ट, जिन्हें मर्जी तुम एक्सेप्ट स्टेटमेंट लै सकते हो। अगर 10 एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स लैना चाहते हो, 15 लेना चाहते हो, तो उम्मीद है इस प्रोग्राम 15 टाइप के एरर आ सकते हैं, 15 एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स लै लो। जिन्हें टाइप के एरर है, ट्राई सिंगल एक्सेप्ट स्टेटमेंट जी लेना चाहते हो लै सकते हो। यू कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स to handle such kind of attack. और दूसरा है using a single except block, एक कोई except statement लेने, लेकिन उधर भी चीज़ ज़्यादा error लिख देने, this is the point, एक कोई except statement लेने है, लेकिन उस दे विच उसी statement दे विच सारे error handle कर दे, या तो except statement ज़्यादा ले लो, या except statement single ले लो, लेकिन वो सिंगल स्टेटमेंट दे विच अगर 10 या 15 टाइप के एरर आ रहे हैं, दैट स्टेटमेंट शुड बी कैपेबल इनफ टू हैंडल ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स। सो दिस इज मल्टीपल एक्सेप्शन, किसी भी प्रोग्राम से मल्टीपल एक्सेप्शन को किस वे नाल हैंडल कर सकते हैं, ये ओरा कांसेप्ट है। विद दिस ए पर्टिकुलर टॉपिक और लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं एक्सेप्शन का, ठीक है। एक्सेप्शन दे विच असी कवर की कीता, what is exception, why exceptions are used, exceptions de vich jehde keywords use kite jande hai, assi try di gal kiti, catch di gal kiti, else di gal kiti, finally di gal kiti, raising an exception di gal kiti, theek hai। Is to baad assi agar isse program vich multiple exceptions aane hai, assi multiple exceptions ko kis way na handle kar sakde hai, is to second lecture vich kal kiti। With this I conclude by this particular lecture।